नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं सूरज ठाकुर ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पैन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। यहां पे आपको सर्च करना है पैन कार्ड डाउनलोड। यहां पे डाउनलोड करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पैन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, प्लस में आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पे आप डाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सब डाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड का डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर, रजिस्टर, मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो आपको एरिया पिन कोड होगा यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जिसमें भी आप ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हम कहा करते हैं मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पे करने के लिए तो यहाँ पे ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 8 रुपया 26 पैसा आपको देना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। तो फिर नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है कि पे कंफर्म वाला पे क्लिक कर दें। यहाँ पेमेंट करने के लिए 5 ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएंगे। तो आपको जो भी यहाँ पे पेमेंट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, क्यूआर कोड से हमको पेमेंट करना। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर पेमेंट करने वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको पैसा यहीं से ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 मिनट। पैन कार्ड का यहाँ डिटेल्स खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट करना है, तो इस पर आप क्लिक करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के